हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस टेबल को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में 5 स्पेशल एंगल्स हैं। वो एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इसके ही वैल्यू पता करने हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो पहले मैं वो एंगल लिख दे रहा हूँ, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। फर्स्ट क्या है, 0 डिग्री। तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट नंबर क्या है, 4। इस 4 से इस सारे को डिवाइड कर देंगे, मींस 0 अपॉन 4 कर देंगे, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। और लास्ट स्टेप ये है कि सब पे आप स्क्वायर रूट डाल दीजिए। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। अब जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करके आएगा वो साइन की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 0 अपॉन 4 क्या होता है, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो मींस साइन 0 डिग्री हो गया 0। 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 30 क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हाफ। 45 डिग्री, ये 2 अपॉन 4 है तो कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर रूट 1, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये 1 अपॉन रूट 2 हो गया, तो साइन 45 डिग्री हो गया 1 अपॉन रूट 2। रूट 3 तो रूट 3 ही रह जाएगा यहाँ पे, 4 की स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी तो 2, तो साइन 60 डिग्री हो गया रूट 3 अपॉन 2। 4 अपॉन 4 1 होता है, 1 की स्क्वायर रूट 1 तो ये 1 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, 0 डिग्री 0, 30 डिग्री हाफ, सो ऑन। अब आते हैं दूसरे रेशियो पे, कॉस थीटा पे। कॉस में क्या करना होता है, ये जो साइन की वैल्यू है इसको उल्टे ऑर्डर में लिखिए, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, मतलब पहले 1 फिर रूट 3 बाई 2 सो ऑन। तो वही कर दे रहा हूँ मैं, 1 है फिर रूट 3 बाई 2 है, फिर 1 अपॉन रूट 2 है, फिर हाफ है और फिर 0 है, तो साइन और कॉस आ गई। अब आते हैं 10 थीटा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे यूज करेंगे हम और 10 की वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो साइन पता है हमें, कॉस पता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0, तो 10 0 क्या हो गया, 0। हाफ अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो हाफ को डिवाइड करेंगे रूट 3 अपॉन 2 से तो क्या आएगा, हाफ इंटू 2 अपॉन रूट 3, ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 3, तो 10 30 डिग्री हो गया 1 अपॉन रूट 3। ये दोनों ही क्वांटिटी सेम है तो ये कट कैंसिल के क्या हो जाएगा, 1, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 1। रूट 3 अपॉन 2 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये रूट 3 आता है। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आपने डिवाइड ही नहीं किया, रूट 3 हो गया। 1 अपॉन 0, ये इंटरेस्टिंग केस है, किसी भी नंबर को 0 को से आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसको ये होते इसको कहते हैं अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड होता है, या फिर इसको आप इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिखता हूँ, आप इसको अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास साइन कॉस टेन तीनों आ गया। अब जो बाकी के तीन रेशियो बचे हैं, कॉसेक सेक और कॉट, वो तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब हमें ये पता है तो रेसिप्रोकल भी निकाल लेंगे हम। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मींस जो भी वैल्यू है उसको सिर्फ आप 1 से 1 अपॉन कर देंगे, मींस अगर 0 है तो 1 अपॉन 0, हाफ है तो 1 अपॉन हाफ। तो देखिए 1 अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइंड, तो कॉसेक 0 हो गया इन्फिनिटी। 1 अपॉन 1 अपॉन 2, हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2, मतलब जो नीचे होता है वही यहाँ पे आ जाता है, ये क्या हो जाएगा रूट 2, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। सेक सिमिलरली है, 1 अपॉन 1 1 होगा, रूट 3 अपॉन 2 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2
टू हो जाएगा, फिर यहां पे वन अपॉन जीरो आ रहा है, ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, कॉट थीटा, टेन जीरो है, जीरो होता है तो वन अपॉन जीरो जीरो, वन अपॉन रूट थ्री तो रूट थ्री, वन अपॉन वन वन, वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री, लास्ट केस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, या फिर आप कह लीजिए वन अपॉन अनडिफाइंड जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। इस तरह से आप, अगर आपको याद नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एग्जाम में, तो इस तरह से आप खुद से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग, आपको इन सब की वैल्यू पता करनी है। फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, लिख लीजिए आप, इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी रूट थ्री अपॉन टू ही होती है, तो रूट थ्री अपॉन टू प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, टू इंटू टू फोर प्लस वन, टू इंटू टू फोर, फोर फोर का एलसीएम फोर हो गया, ये थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर अपॉन फोर, तो ये हो गया वन। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आई, वन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है टू इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू होती है वन, तो वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, तो रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, तो टू इंटू वन स्क्वायर टू हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू स्क्वायर फोर, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू का स्क्वायर फोर, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम था, तो बचा क्या, टू। थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। कॉस 45 होती है वन अपॉन रूट टू, तो लिख लीजिए वन अपॉन रूट टू, सेक 30 डिग्री, कॉस 30 रूट थ्री अपॉन टू, तो सेक 30 टू अपॉन रूट थ्री, तो ये हो गया टू अपॉन रूट थ्री, साइन 30 हाफ होता है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, टू वन अपॉन रूट टू, यहां पे रूट थ्री एलसीएम हो जाएगा, तो ले लीजिए रूट थ्री एलसीएम, ये हो गया टू प्लस टू रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू, ये रिवर्स हो जाएगा तो रूट थ्री ऊपर चला गया नीचे रह गया, टू प्लस टू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू वन, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री, रूट टू इंटू टू टू रूट टू प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री इंटू रूट टू क्या हो जाएगा रूट सिक्स, क्यों, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी वो होता है रूट अंडर रूट ए बी, ये आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। अब हमारे पास ये डेटा आया है, ठीक है, हम चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं, यहां छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि जो नीचे में कभी भी रूट वाला टर्म ना रहे, जबकि यहां पे है, तो इस क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, टर्म सेम रहेंगे, यहां जो साइन है इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, अगर यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए रूट थ्री टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स, तो यहां पे कैसे करेंगे, टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, मल्टीप्लाई भी कर दिया और सेम से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू रूट टू इंटू रूट थ्री, तो रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स, टू रूट सिक्स हो गया, माइनस टू रूट सिक्स इंटू रूट थ्री अंडर रूट एटीन। अब देखिए अगर मैं इसे ए एज्यूम करूं, इसे बी एज्यूम करूं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे ए क्या है, टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स होल स्क्वायर। तो देखिए टू रूट सिक्स, टू रूट एटीन, तो इसको मैं लिखता हूं अंडर रूट,
नाइन इंटू टू। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसका स्वरूप तो निकल सकता है नाइन का, इसलिए मैंने इसको नाइन इंटू टू के फॉर्म में लिखा, अपॉन टू रूट टू स्क्वायर, यहाँ साइड में कर लीजिए, टू रूट टू इंटू टू रूट टू, टू टू इंटू टू फोर, रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा टू, दैट इज एट, तो ये हो गया एट माइनस टू रूट सिक्स होल स्क्वायर, इसको भी कर लीजिए आप, टू रूट सिक्स इंटू टू रूट सिक्स, टू इंटू टू फोर, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स सिक्स, दैट इज 24। ठीक है, यहां से टू कॉमन निकाल लीजिए आप, रूट सिक्स। अब देखिए नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है थ्री, तो थ्री बाहर हो जाएगा और रूट टू अंदर रह जाएगा। एट माइनस 24 दैट इज माइनस 16, माइनस से कैंसिल कर देंगे तो ये एट टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू अपॉन माइनस एट। डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहां से माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो जब माइनस माइनस वन कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला टर्म है तो ये क्या हो गया प्लस, और ये प्लस वाला टर्म है इसके पीछे प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस एट, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आया वो आया थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में इसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है, तो चलिए करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ हाफ, टेन 45 की वैल्यू होती है वन वन, कॉस 60 ये होता है टू अपॉन रूट थ्री, sec 30 cos 30 root 3 upon 2, तो sec 30 भी 2 upon root 3 हो जाएगा, cos 60 cos 60 half होती है, cot 45 1। अब देखिए half plus 1 3 upon 2, 1 को अगर half से add करेंगे तो क्या होगा 1.5 मींस 3 upon 2, तो 3 upon 2 minus 2 upon root 3, यहां पे भी 1 plus half है मतलब 3 upon 2, तो 3 upon 2 plus 2 upon root 3। हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए अगर मैं इसे a मानूं इसे b मानूं तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। अब इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, तो 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये न्यूमरेटर हो गया 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 अपॉन 4, 2 स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर 3, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर 3, 2 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 से अगर 3 को करेंगे कैंसिल तो रूट 3 बचेगा क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, यहां पे क्या बचेगा आपके पास माइनस टू रूट थ्री। ठीक है, नीचे एलसीएम आ गया 12, ले लीजिए एलसीएम 3 27 माइनस 3 से ये 4 टाइम में जाएगा 16, ऊपर में भी 12 एलसीएम है वो ले लीजिए आप 12, तो 36 4 से गया 3 टाइम्स में 27, ये 27 है प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड करेंगे 4 होगा 4 इंटू 4 16 माइनस 24 रूट 3 क्योंकि यहां पे 1 है, 27 माइनस 16 11 अपॉन 12,
27 प्लस 16, 27 6, 27 6, 33, 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 12, और ये 11 अपॉन 12 क्या रिवर्स हो जाएगा, तो 12 अपॉन 11, 12 12 कैंसिल हो गया, तो 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में इस पूरे की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, तो करते हैं। 5 कॉस प्लस 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है, हाफ स्क्वायर प्लस 4 6 स्क्वायर 30 डिग्री, 6 30 होता है 2 अपॉन रूट 3, तो 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो हाफ स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है तो रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो देखिए 5, हाफ का स्क्वायर 1 अपॉन 4, तो 5 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, हाफ स्क्वायर 1 अपॉन 4, रूट 3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 1 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 16 अपॉन 3 माइनस 1, 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, 3 फोर्थ प्लस 1 फोर्थ क्या होगा कंप्लीट 1, मतलब नीचे क्या है 1। अब देखिए यहां पे एलसीएम क्या है, 12 ले लीजिए एलसीएम, 12 4 से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 इंटू 5 15, 3 से 12 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 12 4 इंटू 16 64 माइनस 12, 64 प्लस 15 79 माइनस 12 अपॉन 12, 79 माइनस 12 9 में 2 वाज 7, 67 अपॉन 12। तो कि फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67 अपॉन 12। क्वेश्चन टू में आपको एक्सप्रेशन गिवन है और आपको चार ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी और इनमें से कौन सा मैच हो रहा है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो सॉल्व करते हैं पहले। 2, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, नीचे 1 है 1 प्लस 10 30 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर है क्योंकि वहां पे 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 अपॉन रूट 3, यहाँ पे 3 एलसीएम है ले लीजिए, 3 प्लस 1 तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 3, 4 अपॉन 3, तो 2 अपॉन रूट 3 इसको रिवर्स कर दीजिए 3 अपॉन 4, तो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, रूट 3 से रूट 3 करें कैंसिल तो वो रूट 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आई है इस पूरे की वो आई है रूट 3 अपॉन 2, तो इसमें किसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, साइन 60 की, तो ऑप्शन हो गया साइन 60 ऑप्शन ए। क्वेश्चन टू के सेकंड पार्ट में हमें इस पूरे की वैल्यू इवेलुएट करनी है और पता नहीं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 1 होता है तो 1 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री तो 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2 दैट इज 0। अब किस एंगल की वैल्यू 0 है, डी ऑप्शन डी होगा क्योंकि यही 0 है, तो लिख लीजिए ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, कह रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कब होगा, एंगल की वैल्यू कितनी होगी जो कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे। सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लेते हैं 0 डिग्री, ए इक्वल टू 0 डिग्री मानते हैं, एलएचएस निकालते हैं, तो क्या हुआ साइन 2a मींस साइन 2 इंटू 0 डिग्री दैट इज साइन 0 डिग्री जो कि होता है 0, साइन 0 डिग्री 0 हो गया। आरएचएस, आरएचएस है 2 साइन a, हमने a को 0 रखा है तो 2 इंटू साइन 0 क्या होगा 2 इंटू 0 साइन 0 0 होता है 0, तो a जब 0 होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन कौन सा है, a 0 डिग्री।
सेकेंड का फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 degree, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सॉल्व करते हैं, 10 30 वन अपॉन रूट थ्री होता है, तो ये हो गया 2 into 1 upon root 3, 1 minus tan square 30 degree मतलब 1 upon root 3 whole square, ये क्या हो गया 2 upon root 3, 1 का स्क्वायर 1 root 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया अगर 2 upon root 3, 3 यहाँ पे एलसीएम है तो 3 minus 1 दैट इज 2 upon root 3 upon 2 upon 3, तो रिवर्स कर दीजिए इसको, तो 2 upon root 3 into 3 upon 2, 2 2 कैंसिल, रूट थ्री से 3 रूट थ्री टाइम्स में जाएगा क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 आता है, तो वैल्यू क्या आया रूट थ्री। अब इसमें से किसका वैल्यू रूट थ्री है, 1060 रूट थ्री होता है, बाकी कोई भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, सी 1060। क्वेश्चन थ्री है, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1 upon root 3, अगर a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा और बराबर है, और a जो है वो b से बड़ा है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, 10a + b = √3, ठीक है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें a प्लस बी या a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए ये इसके इक्वल है, तो अगर मैं इसको भी 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो एंगल इक्वेट कर देंगे हम, तो देखिए तो मैं लिख रहा हूं इसको 10a + b, 10 60 डिग्री √3 होता है, तो जहां पे रूट थ्री है वहां पे मैं डाल दिया 10 60 डिग्री। अब दोनों ही सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, तो दोनों का एंगल इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है ये। इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया कि a प्लस बी जो है वो है 60 डिग्री। अब आते हैं दूसरे 10a - b वाले केस में, 10a - b ये हमें गिवन है 1 upon root 3, तो इसको भी 10 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 30 जो होता है वो होता है 1 upon root 3, ठीक है, तो दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे और इक्वल हैं, इसका मतलब उसके एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी 30 डिग्री है, ठीक है। अब a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, तो सॉल्व नहीं कर लेंगे हम, लिख लीजिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60, दोनों को सम कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बी बी ए और ए क्या हो जाएगा 2a, 60 + 30 90, तो a इक्वल्स टू 90 upon 2, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी 60 है, a 45 है, तो b निकल जाएगा, b क्या हो जाएगा 60 - 45 विच विल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो b की वैल्यू होगी 15 डिग्री, a की वैल्यू होगी 45 डिग्री। क्वेश्चन फोर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, आपको चीज समझनी होगी, ये पूरा एक टर्म है, ये दो डिफरेंट टर्म नहीं कि इसको मल्टीप्लाई किया गया, साइन इंटू ए प्लस बी नहीं है, ये सिंगल टर्म है साइन ए प्लस बी। सो जस्टिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट एंगल ले लेंगे, ए के लिए अलग बी के लिए अलग, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, आप कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही एंगल लें, कोई भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एल एच एस, साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा साइन 30 + 60 क्या 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब आते हैं आरएचएस पे, आरएचएस क्या है साइन ए प्लस साइन बी, तो ए क्या है, पहले मैं लिख लेता हूं साइन ए प्लस साइन बी, ए हमने 30 डिग्री ज़ूम किया है, बी हमने 60 डिग्री ज़ूम किया है, तो साइन 60, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, डाल दीजिए, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है, तो देखिए 2 1 + √3, ये 1 नहीं है, तो लिख लीजिए फॉल्स है ये। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यस इट इज ट्रू। अब बोलेंगे ट्रू कैसे हुआ, देखिए साइन
जीरो डिग्री होता है साइन जीरो, साइन थर्टी वन अपॉन टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्री ये होता है वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी डिग्री थर्टी अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, साइन नाइन्टी वन। तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जीरो हुई फिर हाफ हुई बढ़ते बढ़ते वन हो गई। तो यस इट इज ट्रू। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, कह रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज कर, जब एंगल इंक्रीज करता है। नहीं, ये फॉल्स है। देखिए कॉस जीरो वन, कॉस थर्टी रूट थ्री अपॉन टू, कॉस फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू, कॉस सिक्सटी हाफ, कॉस नाइन्टी जीरो। तो क्या देख रहे हैं आप, वन से स्टार्ट हुआ जीरो पहुंच गया, तो क्या हुआ, नहीं डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कह रहे हैं कि हर एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है। चेक कर लेते हैं, ये फॉल्स है, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ ये फॉल्स है। मैं मान लेता हूँ कि लेट थीटा इक्वल टू जीरो है, आप कोई भी एंगल ज़ूम कर सकते हैं। साइन थीटा मीन साइन जीरो क्या हो गया, जीरो, कॉस थीटा कॉस जीरो ये क्या हो गया, वन, एक जीरो है एक वन है, इक्वल वन नहीं, फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो, यस ये श्योर है, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।